हेलो गाइज, आज की वीडियो का संबंध क्लास ट्वेल्थ की जो चैप्टर नंबर 11 यानी एल्कोहल फिनॉल और इथर से है। वैसे यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं, इसमें कि केमिस्ट्री में 12 नंबर का चैप्टर भी हो सकता है। और ये जो चैप्टर 11 नंबर है, ये मैं बोर्ड द्वारा जारी की क्वेश्चन बैंक के आधार पर बता रहा हूँ। उसमें एल्कोहल फिनॉल और इथर वाला जो चैप्टर है वो 7 अंक का है। और 7 अंक किस तरह से, 2 + 2 + 3 = 7। इसका मतलब ये है कि 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से इसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कुल मिलाकर 7 अंक के रहेंगे। तो आइए, वो 7 अंक के जो प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम 2 नंबर के प्रश्न पर। तो यहाँ पर प्रश्न है, कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, एल्कोहल का विकृतीकरण जिसे कहते हैं, किण्वनीकरण की क्रिया को समझाइए। ये सभी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, इनके आंसर भी हम पढ़ेंगे, इनके आंसर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आपको इन क्वेश्चंस को दिखा दें कि क्या क्वेश्चंस इसके चैप्टर के महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन बैंक में देखा है। और ये क्वेश्चन बैंक मेरे द्वारा नहीं बल्कि बोर्ड द्वारा दिया गया है और इसी से प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। कुछ प्रश्न अलग से पूछे जा सकते हैं और इन प्रश्नों के आधार पर आपको समझ लेना कि कौन से प्रश्न और अन्य पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, एल्कोहल का क्वथनांक संगत इथर से उच्च होता है क्यों, एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते क्यों, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, कोलबेसिमेंट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, राइमेटिविन अभिक्रिया, डाइएथिल ईथर के 3 उपयोग लिखिए, फिनॉल था एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए, और विलियमसन की अविरल वितरीकरण विधि क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रोपेन 1 अल का क्षारीय MnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, फिनॉल का CH2Br के साथ क्रिया और फिनॉल की तनु HNO3 के साथ क्रिया। तो ये तो हमने देख लिए प्रश्न, अब आपको 1 by 1 प्रश्नों के आंसर दिखाते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कास्ट स्प्लिट क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 1 नंबर का प्रश्न है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखा हुआ है। क्या है जरा ध्यान से मैंने कोश करें, कास्ट स्प्लिट किसको कहते हैं, मेथेनॉल को कहते हैं। केवल इतना ही लिखना है, लेकिन पूरा आप डिटेल पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। मेथेनॉल को पहले लकड़ी के बनाया जाता था, अतः इसे कास्ट स्प्लिट या कास्ट नेवता भी कहा जाता है। कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, तो कास्ट स्प्लिट इसीलिए इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपने इसके जो है क्वेश्चन बैंक में देखा है। तो यहाँ देखिए आंसर समझने की कोशिश कीजिए, विकृत एल्कोहल क्या होता है। जो एथिल एल्कोहल होता है ना, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल होता है। ये जनरली क्या होती है, वाइन ही होती है, शराब ही होती है। इसलिए इसे यदि, और ये उद्योग में भी काम में आती है। अब यदि सरकार इसे उद्योग धंधे में यदि उपयोग करती है और उतनी महंगी दी जाती है तो लोग इसे क्या करेंगे, उद्योग धंधे ठीक से नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो एथिल एल्कोहल उद्योग धंधे के लिए इस्तेमाल होता है उसे सस्ता रखा जाता है, लेकिन सस्ता होने के कारण लोग इसका पेय पदार्थ के रूप में यूज कर लेते हैं। इसलिए जो उद्योग धंधे में एथिल एल्कोहल यूज किया जाता है उसमें उसे मेथिलेटेड कर दिया जाता है, मेथिल को मिला दिया जाता है, मेथिलेटेड स्प्रिट जो होता है उस इस एथिल एल्कोहल में मेथिलेटेड स्प्रिट मिला दिया जाता है, तो ये क्या होता है, विकृत हो जाता है। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है विकृत एल्कोहल को मेथिलेटेड एल्कोहल भी कहते हैं। यह 95% एथेनॉल होता है और एथेनॉल का उपयोग का औद्योगिक और व्यावसायिक रूप में बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए सरकार इस पर नाम मात्र का टैक्स लगाती है। यह बहुत सस्ता होता है, इसलिए लोग इसे व्यसन के रूप में, शराब के रूप में प्रयोग करने के लिए सस्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें मेथेनॉल, पायरिडीन और कॉपर सल्फेट आदि विषैले पदार्थ मिलाकर बाजार में विक्रय के लिए भेजा जाता है ताकि लोग इसे न पी सके। क्यों न पी सके, क्योंकि इसमें पहले से ही पाजनस चीज मिला दी जाती है। तो इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल में विषैले पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। मेन आंसर आपका कहाँ है,
हमने पूरा पैराग्राफ जरूर बताया है, लेकिन प्रश्न के अंक के अकॉर्डिंग आपको इसमें इतना ही लिखना है, ये एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल में विषैले पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं और उस एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ये बात अलग है कि इसमें क्यों मिलाया जाता है, ताकि लोग इसका इसको इसमें मेथिल एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है, तो क्योंकि लोग इसका व्यसन के रूप में उपयोग न कर सके। कुल मिलाकर मैथिलेटेड या विकृत एल्कोहल से आप क्या समझते हैं, तो उसका इस प्रश्न का आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है किण्वन से आप क्या समझते हैं, ये आपने उसमें क्वेश्चन बैंक में देखा है। तो देखिए आपको ऊपर जो थ्योरी लिखना है ये सब कुछ यही है, ये यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, बस इस इक्वेशन को समझना है। इक्वेशन क्या कहती है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, सेलुलोज, कुछ भी हो सकता है, ये सब क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सेलुलोज ये क्या कार्बोहाइड्रेट है। तो बात की जा रही है कार्बोहाइड्रेट, जब किसी कार्बोहाइड्रेट का यीस्ट एंजाइम की उपस्थिति में जलघटन कहता है तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट में आप इतना भी कह सकते हैं, जब ग्लूकोज को यीस्ट एंजाइम की उपस्थिति में जलघटित किया जाता है तो एथिनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। आइए और उसके बाद कुछ इक्वेशन लिख देना है। तो ये हो गया किण्वन, तो ये इस तरह से आपसे एक तो परिभाषा हो जाएगी, इसकी थियोरेटिकल परिभाषा मतलब थ्योरी इसके आधार पर हम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये है कि जो एल्कोहल हैं उनका क्वथनांक संगत ईथर की तुलना में अधिक होता है, क्यों। एल्कोहल का क्वथनांक यानी ROH एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है किसकी तुलना में, ईथर की तुलना में। ईथर क्या होते हैं, ROR, इनका क्वथनांक अधिक होता है। यदि समझ लें कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका 100 से अधिक होता है, 105 106 कुछ भी होता है, लेकिन समझाने की बात की गई कि एल्कोहल का क्वथनांक संगत ईथर की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों। तो देखिए मेन रीज़न आप पूरा पैराग्राफ चाहे पढ़ लें, लेकिन मैं मेन आपको बात बता दूँ कि एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जो ईथर है ना उसके अंदर क्या है, एज बॉन्ड नहीं होता। तो आपके इस प्रश्न को लिखने के लिए, उसका उत्तर लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसके कारण उसके अणु परस्पर संघनित हो जाते हैं, जिस कारण एल्कोहल का क्वथनांक संगत ईथर की तुलना में अधिक होता है, जबकि इसके विपरीत इथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये आपको लिखना है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी की गई है कि देखिए अब ये जल का एक अणु जल के दूसरे अणु से क्या हो जा रहा है, संघनित हो रहा है यहाँ पर, फिर इस तरह से तीसरा अणु संघनित हो रहा है, चौथा अणु, इस तरह से जोड़कर दिखाए गए हैं। आप चाहें तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ये ROH एल्कोहल, फिर अगला अणु जल का एल्कोहल का HOR, इस तरह से इससे कनेक्ट हो जाता है, फिर उससे अगला HOR, तो ये जो है यहाँ पर ही क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये एल्कोहल के विभिन्न अणु आपस परस्पर क्या रहते हैं, संगणों से आते हैं, जबकि इथर में ये प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि इथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एल्कोहल की अपेक्षा फिनाल प्रबल अम्ली होते हैं, क्यों। तो मेन रीजन, मैं चाहे आंसर कितना भी बताऊं लेकिन ध्यान देना, मेन बात बताने जा रहा हूं, अनुनाद के कारण। किसके कारण, अनुनाद के कारण, एल्कोहल में अनुनाद के कारण OH बंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ओर आकर्षित होते हैं, और बेंजीन रिंग की ओर आकर्षित होने के कारण ये जो हाइड्रोजन है ना उसका H प्लस आयन के रूप में पृथक्करण आसानी से हो जाता है एल्कोहल की अपेक्षा, इसलिए फिनॉल क्या होते हैं, अधिक अम्ली होते हैं। आपको पता है किसी अम्ल की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी आसानी से H प्लस प्रदान करता है, एल्कोहल भी H प्लस प्रदान करते हैं, फिनॉल भी, लेकिन फिनॉल में ये गुण ज़्यादा होता है, किस वजह से, अनुनाद के कारण। ठीक है आगे चलते हैं, आप विस्तार से चाहें तो पढ़ लेना, लेकिन मेन बात आपको बता देना है, फिनॉल में किसके कारण, अनुनाद, जिसे बोलते हैं मैसोमेरिक प्रभाव, बोलते हैं मैसोमेरिक प्रभाव के कारण,
जो है वो फिनाल है वो अल्कोहल के अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। अगला हमारा प्रश्न आता है कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया। आपने एक प्रश्न पढ़ा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। इसमें तीन अभिक्रिया दी थी, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, उसके बाद में युग्मन अभिक्रिया और डिमर्टिमन अभिक्रिया। तो उस प्रश्न का आंसर यहाँ है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, मैं ये थ्योरी कुछ भी लिखी हो उससे कोई लेना नहीं है, आप यहाँ ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। ये क्या सोडियम फिनेट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब सोडियम फिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन पर 4 से 7 वायुमंडलीय ताप पर अभिकृत किया जाता है तो क्या बनता है, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। ये फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनता है जो पुनर्व्यवस्थित होकर क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है और फिर जिसकी एसिलसी क्रिया होने पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, बेसिक रूप से आपको इक्वेशन पर ध्यान देना है, इन यौगिक के नाम याद होना चाहिए जो यहाँ पर लिखे हुए। जब सोडियम फिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 K पर 4 से 7 वायुमंडल दाब पर अभिकृत किया जाता है तो फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनता है जो पुनर्व्यवस्थित होकर सोडियम सैलिसिलेट बनाता है और HCl की क्रिया होने पर ये क्या, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक अम्ल जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है युग्मन अभिक्रिया से आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको देखना है ये इक्वेशन, इसको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब किससे होती है, फिनाल से क्रिया, ये देख रहे हैं फिनाल और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्षार की उपस्थिति में फिनॉल के साथ अभिक्रिया होती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगला अभिक्रिया क्या है वो देखिए, रिमर्टिमन अभिक्रिया। जब यहाँ देखिए आप, ये क्या है, फिनॉल है, क्या है भाई ये, फिनॉल है। जब फिनॉल को क्षार, ये क्षार है, यहाँ पर क्षार NOH क्षार है, क्षार और उसमें क्या, क्लोरोफॉर्म। तो जब फिनॉल को क्षारी क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो आर्थो एम्पेरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रिमर्टिमन अभिक्रिया कहते हैं। बेसिकली यदि आपने इक्वेशन को ध्यान रखा है, उसके प्रोडक्ट के नाम ध्यान रखें तो आप इस आसानी से इस थ्योरी को लिख पाएंगे। लेकिन ये अभिक्रिया भी आपको तब याद होगी जब आप बार बार इनको लिख कर देखेंगे, तो आपके लिखने से आपको ये याद हो जाएगी और जब याद हो जाएगी तो आप ऊपर की थ्योरी को आसानी से लिख पाएंगे। आइए आगे की ओर चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है डाइएथिल ईथर के उपयोग लिखिए, कोई तीन उपयोग लिखिए, इस तरह का प्रश्न इसमें है। तो यहाँ पर हम डाइएथिल ईथर के तीन उपयोग आपको बताते हैं। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल के साथ मिलाकर यह निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इतना लिखते हैं, निश्चेतक के रूप में पहला उपयोग। दूसरा आता है विलायक के रूप में, तीसरा आता है प्रसितक के रूप में और चौथा आता है ऊर्जा अभिक्रिया में विलायक के रूप में। इस तरह से आप ये डाइएथिल ईथर के तीन उपयोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपको, प्रश्न ये है कि एल्कोहल और फिनाल, एल्कोहल फिनाल में तीन अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एल्कोहल क्या करता है, लिटमस पेपर को, यह लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करते, कौन, एल्कोहल। और फिनाल क्या करते हैं, लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है एल्कोहल कोई रंग नहीं देते। अब कैसे रंग नहीं देते, ध्यान समझने करना, एल्कोहल कोई रंग नहीं देते, ये आपको ध्यान रखना, कोई नहीं रंग नहीं देते किसके साथ, फ्लोरिक क्लोराइड के साथ ये कोई रंग नहीं देते। और उसके बाद में
चलिए फिलहाल यहाँ पर आपको साइड में लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट और है, किसके साथ, वो मैंने यहाँ पे काट दिया है, किस किस के साथ ये क्रिया नहीं देते हैं। तो एल्कोर और फिनाल में आपको अंतर मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा आंसर इसका दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए यहाँ पर पूरा आंसर है, पिछले उसमें हमने आंसर कट कर दी थे, यहाँ पर ये किस बेसिस पर इनमें अंतर बता रहे हैं वो पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। तो चाहे तो आप इस पॉइंट को इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं, जिसे लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता, कौन, एल्कोहल, फिनॉल लिटमस पेपर को प्रभावित करता है, नीले को लाल कर देता है, फेरिक क्लोराइड के साथ परीक्षण, तो फेरिक क्लोराइड के साथ ये हटा के यहाँ लिख सकते हैं, फेरिक क्लोराइड के साथ कोई रंग नहीं देता, और ये उदासीन फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ उपचार में क्रिया कराने पर फिनाल लाल से बैंगनी रंग देता है। इस तरह से ब्रोमीन जल के साथ क्या होता है, एल्कोहल ब्रोमीन जल के साथ परीक्षण नहीं देता, मतलब किसी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और फिनाल ब्रोमीन जल के साथ क्या करता है, हल्का पीला अवच्छेद देता है। इस तरह से एल्कोहल जो है आइडोफार्म परीक्षण देते हैं, किस तरह से ये आइडोफार्म का पीला उच्छेद देते हैं। तो कुल मिलाकर आपको लिखना है एल्कोहल आइडोफार्म परीक्षण देते हैं, फिनाल आइडोफार्म परीक्षण नहीं देते हैं। इस पॉइंट को पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे लिखना है एल्कोहल आइडोफार्म परीक्षण देते हैं, फिनाल आइडोफार्म परीक्षण नहीं देते हैं। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई क्रिया नहीं देते, जबकि फिनाल NOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम लवण बनाते हैं। और लिबरमान परीक्षण, तो आपको लिख देना है एल्कोहल लिबरमान परीक्षण नहीं देते, जबकि फिनॉल लिबरमान परीक्षण देते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विलियमसन संश्लेषण, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि पूरा दिख जाए। अगला क्वेश्चन है विलियमसन संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, या विलियमसन निरंतर इत्रीकरण विधि से आप क्या समझते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ये क्या एथेनॉल है, जब एथेनॉल को 140 डिग्री सेल्सियस 110 से 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो डाईएथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया में ईथर निरंतर प्राप्त होता है, इसलिए इसको निरंतर इत्रीकरण विधि कहते हैं। वैसे ये किस तरह से होती है, पहले एथिल एल्कोहल H2SO4 से क्रिया करता है और एथिल बाइसल्फेट बनाता है और जल कणु निकल जाता है, और ये एथिल बाइसल्फेट यहाँ पे पुनः लेते हैं और एथिल एल्कोहल साथ क्रिया करते हैं कराते हैं, तो ये 140 डिग्री सेल्सियस पर डाईएथिल ईथर बनाता है और H2SO4 मुक्त हो जाता है, और यही H2SO4 पुनः दूसरे एथिल एल्कोहल के अणु के साथ क्रिया करके प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाता है, और यह क्रम लगातार चलता रहता है जिससे एथिल एल्कोहल बनता रहता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम विलियमसन ने किया था, इसलिए इसको विलियमसन की निरंतर या अविरल इत्रीकरण विधि कहते हैं। फिर समझ लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे तो इन दोनों इक्वेशंस को हटाकर आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करना, ये C2H5OH और प्लस इसी को मैं लिख देता हूँ C2H5OH, ये डबल लिख दिया, और इसके आगे ये क्या होता है, देखिए ये जल कणु निकल जाता है और ये हमारे पास C2H5O C2H5 जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं लिखता हूँ C2H5O C2H5 + H2O बाहर निकल जाता है। तो ये आप थ्योरी पढ़ लेना, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है जो एक प्रश्न आप देख रहे थे, मैं दिखा देता हूँ कौन सा प्रश्न अगला है जिसका आंसर आप देखेंगे। अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसमें प्रोपेन 1-ऑल का क्षारीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण, फिनाल के साथ CH2 और Br2 से क्रिया, और फिनाल के तनु HNO3 के साथ क्रिया। इसका आंसर हम आपको बताते हैं 1 by 1।
तो देखिए यहाँ पर प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है और इसकी क्षारीय केमेनोफोर के साथ क्रिया होती है, की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है तो प्रोपियोनिक एसिड बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है या प्लस ओ लगा देना ताकि ये बात समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाल को किसके साथ में CH2 और Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आर्थो ब्रोमफिनाल और पेरा ब्रोमफिनाल, इधर एक पेरा ब्रोमोफिनाल भी आपको बना देना है, पेरा ब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पार्ट आपका इसमें यह है कि क्या होता है जब फिनाल का तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत किया जाता है। जब फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत किया जाता है तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पेरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि तनु के बजाय हम क्या लेते हैं, पे सांद्र कंसनट्रेट ले लेते हैं, ये तनु नहीं लेते। तो फिर पता है यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, ये OH, और 2,4,6 पर 2 पर यहाँ पर नाइट्रो, यहाँ पर नाइट्रो और यहाँ पर नाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इन्हें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता। तो तनु के साथ, तनु HNO3 के साथ फिनॉल अलग प्रोडक्ट होता है और सांद्र के साथ अलग प्रोडक्ट होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।